हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे प्यारे बच्चों आज हम करेंगे कक्षा सात के सामाजिक विज्ञान के अध्याय चार को इस अध्याय का नाम है बच्चों वायु ये बच्चों पर्यावरण वाली आपकी जो बुक है उसका अध्याय है तो इसका प्रश्न क्रमांक एक है यह है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है तो ये बच्चों नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रश्न क्रमांक दो है वर्षा का प्रकार नहीं है तो इसमें अम्लीय जो है वो वर्षा का प्रकार नहीं है प्रश्न क्रमांक तीन है शोभमंडल और मध्यमंडल के बीच में पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है तो ये है समताप मंडल प्रश्न क्रमांक चार है वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है तो इसका उत्तर होगा वायु में निम्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है पहले नाइट्रोजन दूसरे ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड आदि और अन्य गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी होती हैं प्रश्न क्रमांक पाँच है बच्चों आर्द्रता किसे कहते हैं इसका उत्तर हम लिखेंगे वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा में को आर्द्रता कहते हैं प्रश्न क्रमांक छः है पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है तो इसका उत्तर होगा पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की आवश्यकता होती है प्रश्न क्रमांक सात है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा तो इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बच्चों ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाता है प्रश्न क्रमांक आठ है हरे पादव अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं प्रश्न क्रमांक नौ है भूमंडलीय तापन या, यानी यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं तो इसका उत्तर है बच्चों पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का ताप बढ़ता है जिससे कि भूमंडलीयमान तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसके कारण ठंडे प्रदेशों की बर्फ पिघलती है परिणाम स्वरूप समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है प्रश्न क्रमांक दस है वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी हैं लिखिए तो ये है पहली छोम मंडल दूसरी है समता मंडल तीसरी है मंडल, चौथी है बाह्य मंडल और पांचवी है बहिर्मंडल प्रश्न क्रमांक ग्यारह है पवन किसे कहते हैं पवनों के मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र को वायु की गति को पवन कहते हैं पवन निम्न तीन प्रकार की होती है पहली है स्थाई पवन दूसरी है मौसमी पवन और तीसरी है स्थानीय पवन प्रश्न क्रमांक बारह है उच्च वायुमंडल का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है तो इसका उत्तर होगा अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती अथा यहाँ वायु क्षेत्र बनता है तथा तो कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होने के कारण भारी होती है अथा यहाँ उच्च वायु दाब बनता है प्रश्न क्रमांक तेरह है मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है जबकि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में